आज ये चेक करेंगे जो किया की कैरेंस है वो वाकई में 7 सीटर है या नहीं है, उसके बारे में उसकी बॉडी रोल कैसी है, कितनी एवरेज देती है, उसका सारा जो भी उसमें जो खूबियाँ है गाड़ी में आज सारा निचोड़ करते हैं। यहाँ आपको DRL मिल जाते हैं, यहाँ लाइटें दी हुई है इसमें और यहाँ कैमरा दिया हुआ है, जैसा कि आप देख रहे हो आगे से बिल्कुल नया डिजाइन दिया हुआ गाड़ी में। आपको इसका अंदर से और दिखाता हूँ भैया, अंदर क्या क्या फीचर्स दिए हुए इसमें। 4 पावर विंडो है, जो इसमें बेसिक चीजें होती हैं वो सारी दे रखी है। 6 एयरबैग दे रखे गाड़ी में, ABD, हील असिस्टेंट, सारी फीचर्स मिल जाते हैं। बेस वेरिएंट से आपको 6 एयरबैग मिल जाते हैं। तो आप जानते हो कि यह कैरेंस है जो कि 7 सीटर में आई थी, पेट्रोल वाला वर्जन है, 1.5। इसका कंफर्ट है वो बहुत ही अच्छा है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है, बिल्कुल लाइट जो स्टेयरिंग है इसका। दोस्तों देख रहे होगे ये वो ऐसी गाड़ी है, इसको ट्रैफिक में भी आसानी से चला सकते हैं और जो हाईवे है वहाँ भी। और जो जैसा कि आप जानते हैं 7 सीटर में है, तो इसका कंफर्ट है ना 7 सीटर के हिसाब से काबिले तारीफ है। इसके लिए स्टेयरिंग दिया हुआ वो बिल्कुल ही लाइट स्टेयरिंग है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं पता लग रहा कि हम इतनी बड़ी गाड़ी को चला रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल स्मूथ स्टेयरिंग दिया हुआ है। ये नहीं लेनी चाहिए 7 सीटर में कामयाब या नहीं है कि भाई नाम की 7 सीटर है या काम की भी 7 सीटर है। कई कई गाड़ियां हैं जो 7 सीटर में है लेकिन उनकी जो पीछे वाली सीटें हैं वो बिल्कुल यूज में नहीं आती है, बैठने में बिल्कुल भी कंफर्ट नहीं होता। जो इसकी सीटें दी हुई है वो वाकई में कंफर्ट दिलाएंगी या नहीं दिलाएंगी उसके बारे में ये वीडियो होगी। दोस्तों आप देख रहे हो बिल्कुल इसका जो डैशबोर्ड है वो अंदर से बिल्कुल प्रीमियम फील करवा रहा है। जो ये इसका पियानो ब्लैक है वो इसकी खूबसूरती को और ज्यादा इनहेंस कर रहा है। जैसा कि आप इसका स्टेयरिंग देख रहे होगे, स्टेयरिंग में आपको वॉल्यूम अप डाउन के और फोन उठाने काटने के लिए मिल जाता है, तो इसे ड्राइविंग करते वक्त किसी प्रकार की परेशानी नहीं होती है। यूं नहीं होता कि भाई बार बार लो स्क्रीन में हाथ टच करो तो ज्यादा परेशानी वगैरह हो, तो वो नहीं होगी आपको। जैसा कि दोस्तों आप देख रहे होगे अभी मैंने फर्स्ट गियर लगाया है और इसका पिकअप देखिए आप। आइए दोस्तों मैं आपको इसकी जो ड्राइविंग स्टाइल है वो और दिखाता हूँ भाई गाड़ी चलने में कैसी क्या है। और जैसा कि आप देख रहे होगे फर्स्ट गियर में और सेकंड गियर में पता ही नहीं लगता कि भाई कितनी जल्दी ये पिकअप को उठाती है, बहुत स्मूथ गाड़ी लग रही है चलाने में, बिल्कुल प्रीमियम फील करवा रही है। जैसा कि आप देख रहे होगे अभी फोर्थ गियर में है और अंदर है ना बिल्कुल के जो इसका केबिन है वो बिल्कुल बाहर का कोई किसी प्रकार का शोर शराबा नहीं आता, किसी प्रकार की डिस्टरबेंस नहीं होती, ना ही इंजन की आवाज आती है, गाड़ी का पता भी नहीं लगता कि भाई गाड़ी स्टार्ट है या नहीं है। तो मेरे को तो गाड़ी काफी अच्छी लग रही है। अब जैसा कि आप देख रहे होगे 5th गियर लगा दिया, ये अभी 33-34 की स्पीड पे चल रही है और बिल्कुल भी यू नहीं लग रहा कि भाई बड़े गियर में है या उठेगी नहीं उठेगी, फिर भी इतने प्यार से वो उठती है पता भी नहीं लग रहा गाड़ी का। और को पार कर रही है तो पता भी नहीं लग रहा कि मैं ब्रेकर पार हो गया, जो इसके टायरों का जो गैप दिया हो काफी दिया हुआ। ये चेक करते कि भाई ये वाकई में 7 सीटर है या नहीं है, पीछे बैठने में कंफर्ट मिलता है नहीं मिलता। जैसे मैंने अभी अपने हिसाब से जो मैं चला रहा था गाड़ी उसके हिसाब से मैंने अपनी सीट को एडजस्ट किया हुआ है। अब आइए दोस्तों मैं आपको पीछे और दिखाता हूँ भाई पीछे से कितना स्पेस मिलता है, कहीं पीछे वाला पैसेंजर परेशान तो नहीं होता है। आइए दोस्तों मैं आपको पीछे वाली रो में और दिखाता हूँ कितना क्या स्पेस मिल जाता है। जैसा कि दोस्तों आप देख रहे होगे पीछे वाली जो खिड़की है वो काफी बड़ी दे रखी है, जिससे इसका
पीछे बैठने में काफी आसानी होती है। जैसा कि आपने देखा होगा कि मैंने अपनी हाइट के हिसाब से अगले वाली सीट को एडजस्ट कर रखा, उसके बाद भी इसमें इतना ज्यादा स्पेस बच गया है कि भाई मैं बिल्कुल आराम से रिलैक्स करके बैठा हुआ हूँ। जैसा कि आप देख रहे हो, जो पीछे वाली सीट है उसमें भी काफी ज्यादा थाई सपोर्ट दिया हुआ है, और जैसा कि आप देख रहे हो जो पीछे वाली है उनको भी आप एडजस्ट कर सकते हो जो ये सीटें दी हुई है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ, जैसा कि आप देख रहे हो इनको भी मैं आराम से लंबे टूर पे जाओ तो बिल्कुल आराम से रिलैक्स होके बैठ सकते हैं। पीछे वाली सीट को भी अपना 60-40 वाले रेशो में एडजस्ट कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हो अभी मैंने बिल्कुल इसको रिलैक्स उसमें कर रखा था, अब मैं इसको अपनी कंफर्ट के हिसाब से वापस एडजस्ट कर लेता हूँ। इसको अपनी हाइट के हिसाब से वापस एडजस्ट कर लिया। जैसा कि आप देख रहे हो काफी बड़ी सीट है, तीन बंदे बिल्कुल आराम से बैठ सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ भी आपको एक आर्म रेस्ट मिल जाता है, जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ दो कप होल्डर मिल जाते हैं आपको, और बिल्कुल आराम से रिलैक्स होके जा सकते हैं। किसी प्रकार की लंबे रूट पे किसी प्रकार की भड़क नहीं होगी, और बिल्कुल वाकई में जो 7-सीटर के नाम से ये मशहूर हुई है किया कैरेंस, बिल्कुल मेरे को यूं लगता है बिल्कुल ठीक इसको किया कैरेंस को 7-सीटर में नंबर वन का खिताब मिलना चाहिए, और शायद मिल भी चुका होगा। जैसा कि दोस्तों आप देख रहे होगे जो इसके हेडरेस्ट हैं वो भी बिल्कुल अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, पिछले वाली रो में भी और बिल्कुल कंफर्ट वाली सीटें हैं। आइए दोस्तों मैं आपको इसकी थर्ड रो में उड़े के चलता हूँ कि थर्ड रो में कैसे बैठते हैं और कितना स्पेस मिलता है वो और देख लेते हैं। और दोस्तों एक और फीचर बता देता हूँ, जैसा कि आप देख रहे होगे इस वाली सीट को भी अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। अब ये मैंने अपनी हाइट के हिसाब से बिल्कुल अच्छे से एडजस्ट कर रखी है, बिल्कुल कम्फर्ट, बिल्कुल मजा आ रहा गाड़ी में। और दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे भी एसी के ब्लोअर दिए हुए हैं, देखने में काफी यूनिक सा डिजाइन दे रखा, काफी अच्छे लग रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ इसमें बटन दिया हुआ है, डबल डोर वाला सिस्टम है इसमें, कितने प्यार से ये वाली सीट फोल्ड हो जाती है। और जैसा कि आप देख रहे हो मैं कितनी आसानी से पीछे वाली सीट पे सेट हो गया हूँ। जैसा कि आप देख रहे हो खिड़की काफी बड़ी दी हुई है और जिसकी वजह से बैठने में काफी आसानी होती है, जैसा कि आप देख रहे हो। अब मैं इसको सीट को अपने हिसाब से एडजस्ट कर देता हूँ। जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हो पीछे वाली रो भी काफी कंफर्टेबल है। अब जैसे देखिए मेरी हाइट है 5'11", उसके बाद भी इसमें इतना ज्यादा स्पेस है, जो थाई स्पेस दिया हुआ है वो भी इनफ स्पेस दिया हुआ है। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हो यहाँ पे भी आपको आर्म को रिलैक्स करने के लिए दिया हुआ है, यहाँ आपको एक कप होल्डर मिल जाता है, यहाँ पे आपको टाइप सी चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है, और जैसा कि आप देख रहे हो पीछे वाली रो पे भी आपको आर्म रेस्ट दिया हुआ है, और जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे भी काफी स्पेस दिया हुआ है। क्योंकि दोस्तों बिल्कुल आराम से बैठ के जाया जा सकता है, बिल्कुल काफी कंफर्ट सीटें दी हुई है। वाकई में ये बिल्कुल 7-सीटर है और प्रीमियम कार है, बिल्कुल इसको लेते वक्त बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं है। जैसा कि आप जानते हो 11 लाख से ही आपको मिलनी शुरू हो जाती है, 11 लाख में काफी अच्छा प्राइस दिया हुआ है इसका, 11.5 लाख रुपए में इसका बेस मॉडल मिल जाता है। ऑन रोड काफी अच्छी वैल्यू फॉर मनी कार है। देख रहे हो कि आपको किसी की हेल्प लेने की जरूरत नहीं है, इस बटन को पुश करो ये बिल्कुल फोल्ड हो जाती है और बिल्कुल निकलने में बिल्कुल आराम से आप निकल सकते हो, किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो सकती, आराम से आप एडजस्ट कर सकते हो। और जैसे इसको बिल्कुल आराम से फोल्ड किया, आइए दोस्तों इसका पिकअप और चेक कर लेते हैं कितना क्या है। जैसा कि आप देख रहे होगे बिल्कुल एकदम उठती है गाड़ी, किसी प्रकार की आपको अंडर पावर नहीं लगेगी। जितनी बड़ी गाड़ी होने के बाद जो इसमें 1500 सीसी का इंजन दे रखा है वो काफी पावरफुल इंजन दे रखा है। बिल्कुल इजी टू ड्राइव में दी हुई है गाड़ी, काफी अच्छी लग रही है।
जो जैसा कि आपको मालूम है ये 1500 सीसी में पेट्रोल वाला इंजन है, इसकी जो एवरेज है वो 16-17 की देती है हाईवे पे, और जो लोकल में चलाते हैं ट्रैफिक में उसमें ये आपको 13-12 की निकाल के दे देती है, जो कि इस इतने बड़े गाड़ी में और इतने हैवी इंजन होने के बाद काफी अच्छी एवरेज है। जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हो गाड़ी चलाने में काफी अच्छी लग रही है, काफी एंजॉय कर रहा हूं मैं गाड़ी को चलाते वक्त। जो दोस्तों आज जैसा कि आपने देखा होगा कि आज मैंने आपको गाड़ी का फुल वॉक अराउंड दिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।